राष्ट्रीय प्रवक्ता और इसके साथ ही बिहार में उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन का बड़ा बयान सामने आ गया है। बीजेपी प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने देश के माहौल पर अपना बड़ा बयान दिया है। आप सब जानते हैं किस तरह से मस्जिदों के आसपास चले बुलडोजर को लेकर हमारे देश में राजनीतिक सरगर्मियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं और इन सब के बीच में बीजेपी पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों का जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुस्लिम नेता सामने आए हैं और इन्हीं में से एक रहे शहनवाज हुसैन। शहनवाज हुसैन ने तीखे शब्दों में कह दिया है कि भाजपा दंगे करवाने वाली पार्टी बिल्कुल नहीं है। शहनवाज हुसैन ने इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखा है और बीजेपी का पक्ष रखते हुए कहा है, कोरोना काल के कारण 2 साल से इफ्तार पार्टी का आयोजन नहीं हो पाया था, मैंने और सुशील कुमार मोदी जी ने मिलकर किया है। अंजुमन इस्लामिया एक ऐतिहासिक स्थल है, कितना अच्छा बन गया है, यहाँ इफ्तार की पहली दावत हुई है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ भाईचारे का संदेश देना है, हम लोग सब एक दूसरे के मजहब की इज्जत करते हैं, यही भारत है, बिहार में सुख शांति और सद्भाव है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार के हर क्षेत्र में विकास कर रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा को लेकर जिस तरह से लगातार भाजपा पर दंगा फैलाने के आरोप लग रहे हैं, शहनवाज हुसैन ने कहा, कांग्रेस वालों को पता होना चाहिए कि बीजेपी बिहार सहित पूरे देश में सौहार्द फैला रही है और यही फैलाएगी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।